ये कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य में सर्वे करने के लिए बाहर निकला और उसने ये सोचा कि मैं उस बंदे को इनाम दूंगा जिसकी अपने घर में चलती होगी। उसने ये घोषणा की, अगर जिस आदमी की या जिस पति की अपने घर में चलती है उसे मैं एक घोड़ा दूंगा इनाम में, और जिस घर में पत्नी की चलती है उसे मैं एक सेब दूंगा। तो उसने ऐसे ही अपने दरबार में बहुत से लोगों को इनवाइट किया। तो जब वहां पर लोग आने स्टार्ट हुए तो एक एक करके सब लोगों ने अपने वहां से सेब उठाने स्टार्ट कर दिए, यानी कि उनके घर में उनकी पत्नी की चलती थी। आता जो भी वो अपनी सेब उठाकर और चला जाता, इससे ये जाहिर होता कि उसके घर में उसकी पत्नी की चलती है। तो एक आया, दो आया, तीन आया, चार आया, पांच आया, बहुत से ऐसे आते रहे। उसको ये चिंता होने लगी राजा को कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा मर्द नहीं है जिसको जिसकी घर में चलती हो, हर घर में औरत की ही चलती है। तो बहुत देर बाद एक नौजवान आया जो कि सेहत में बहुत तगड़ा था और बहुत ही ताकतवर था और लंबा गोरा चिट्टा बिल्कुल एकदम स्मार्ट लड़का। और वो आया और उसने बोला कि महाराज, मेरी घर में मेरी चलती है, मेरी पत्नी की नहीं। तो महाराज बहुत खुश हुआ और महाराज ने बोला, चलो मेरे राज्य में कोई तो एक बहादुर आदमी है जिसकी घर में चलती है। तो राजा ने उसको बोला कि जाओ, तुम अपनी पसंद से कोई भी घोड़ा चुन सकते हो और लेके चल जा सकते हो। तो जब वो अपनी पसंद से एक काले रंग का घोड़ा लेकर अपने घर पर गया, थोड़ी देर बाद वो वापस राजा के पास आया और राजा को बोला कि महाराज, मैं इसको वापस करना चाहता हूँ। तो राजा ने पूछा, क्यों, तुम इसको क्यों वापस करना तो चाहते उस हो? आदमी ने बोला कि महाराज, जो मेरी पत्नी है उसने ये बोला कि काला रंग अशुभ होता है और व्हाइट कलर जो होता है वो शांति की निशानी होती है। तो उसने बोला कि मेरे को सफेद घोड़ा चाहिए। तो ये सुनते हुए राजा ने बोला कि घोड़े को यहीं रख और सेब उठाकर चलता बन, यानी कि उसके घर में भी उसकी पत्नी की ही चलती थी। तो बहुत देर हो गई, बहुत देर हो गई, कोई भी ऐसा नौजवान नहीं आया जिसने ये आके बोला कि उसके घर में उसकी चलती है या उसकी पत्नी की नहीं चलती। ऐसा बहुत लंबा सिलसिला चलता रहा। तो यह सिलसिला लगातार आधी रात तक चलता रहा और आदमी भी वहां से गायब होते रहे और सेब भी वहां से गायब होते रही। आराम आराम से सारा राज्य खाली हो गया। आधी रात हो गई तो आधी रात को महामंत्री राजा के पास आए और उसके दरवाजा खटखटाया और राजा से बोले कि महाराज, अगर आपने जो ये शर्त रखी, इस शर्त में अगर आप ये रखते कि घोड़े की जगह पर सोना और सेब की जगह पर अनाज, तो कई भूखे आदमियों का पेट भी भर जाता और उनका घर भी चल जाता। तो राजा ने बोला कि महामंत्री, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे दिमाग में भी यही बात आई थी कि मैं सोना दूँ और अनाज दूँ, पर महारानी ने मेरे को साफ साफ बोल दिया कि शर्त में तुम यही रखना कि एक को घोड़ा देना जिसके घर में पुरुष की चलती है और जिसके घर में महिला की चलती है उसको आप सेब देना। तो मेरे को इसकी माननी पड़ी। तो महामंत्री ने बोला, तो महाराज क्या करूँ, आपके लिए सेब मैं काट दूँ या खुद आप ले लोगे? तो उसने राजा उस बात पर हंस पड़े। तो राजा ने बोला उसको कि अगर ये बात, आप छोटी सी बात पूछने के लिए आप मेरे पास आधी रात को आए हैं, इतनी क्या जल्दी थी कि आप सुबह तक नहीं रुक पाए? आप सुबह भी तो आ सकते थे, दरबार में पूछ सकते थे इस बात को, आप आधी रात को इतनी तकलीफ उठा के मेरे पास आए। तो महामंत्री ने बोला कि महाराज, मैं क्या करूं कि मेरी पत्नी ने मेरे को बहुत देर से परेशान कर रखा था कि जाओ जाओ पूछ के आओ कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उन्होंने ऐसा एक शर्त रखी और ऐसी बात रखी, तो इसलिए मेरे को जबरन यहाँ पर आना पड़ा। तो महाराज ने बोला कि महामंत्री जी, सेब आप उठा के ले जाओगे या मैं आपके घर पे पहुंचाऊं? तो यहाँ पर हमारा जो समाज है वो स्त्री प्रधान समाज है, यानी पुरुष प्रधान नहीं है, हर घर में स्त्री की चलती है। और जब स्त्री की चलती है जब ही हमारा घर एक अच्छे और एक सही दिशा में चलता है, यानी कि हमारे, इसीलिए हम बोलते हैं कि लेडीज फर्स्ट, यानी लेडीज को ही अच्छा सम्मान देना चाहिए और उसको प्यार प्रेम भाव से रखना चाहिए, जिससे हमारा घर बिल्कुल शांत स्वस्थ और अच्छा रहे और हमारे घर में शांति बनी रहे। जिस घर में अगर मर्द की चलती होगी, औरत की चलती, तो वो घर ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता है। सो दोस्तों, अगर ये स्टोरी और मोटिवेशनल आपको और भी स्टोरी मेरी देखनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर
विजिट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको बहुत सी ऐसी बहुत अच्छी स्टोरियाँ मिलेगी जिसमें आपको और मोटिवेशनल और बहुत ही शिक्षा मिलेगी। तो आपको अगर ये चैनल अच्छा लगता है और आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस पर लाइक करना, और ऐसी आपको स्टोरियाँ लगातार मिलते रहे उसके लिए आप बेल आइकॉन पे क्लिक करना मत भूलना। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।